में है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए ये सब चीजें तो जो मैंने लिखी हैं, खैर दिस इज द पार्ट ऑफ दिस, ये आपको अगर थियोरेटिकल लिखना हुआ तो ये सब चीजें आपको काम आएंगी। जो एज सच आपको एमसीक्यूज में काम आएंगे वो आएगा कॉन्सेप्ट काम, के इंटेलिजेंस होता क्या है, इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं और क्या हिस्ट्री रही है इंटेलिजेंस की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें यही हैं कि बहुत सारे लोग जो कुछ कह रहे हैं इंटेलिजेंस क्या होता है, कुछ कहते हैं कि आपकी जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड होती है तो आप इंटेलिजेंट हैं। कुछ कहते हैं कि अगर आप किसी कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाए आप क्या करें उस प्रॉब्लम को बहुत ईज के साथ जो है सॉल्व कर पाए तो यू आर इंटेलिजेंट। कुछ कहते हैं कि इफ समबडी इज हैविंग ए डिसीजन मेकिंग यू नो पावर एंड एबिलिटी ही आर शी इज इंटेलिजेंट। कुछ की एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बहुत अच्छी होती है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, खुद को समझना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, आपकी अच्छी मेमोरी होना, यू शुड बी क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, दैट कम्स इन द इंटेलिजेंस। लेकिन ये है कि जब कोई एक डेफिनेशन देता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे एस्पेक्ट को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन आप उस कैटेगरी में इंटेलिजेंट आ रहे हैं लेकिन दूसरे कैटेगरी में आप इंटेलिजेंट नहीं आ रहे, तो ये एक ड्रॉबैक्स बहुत सारी जो है डेफिनेशंस का रहता है। इस डेफिनेशन के लिए भी पहले कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी, इसके लिए भी एक सिंपोजियम हुआ था जिसमें 13 साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपने अपने व्यूज दिए थे इस पर, इसकी डेफिनेशन पे, इंटेलिजेंस के डेफिनेशन पे। मोस्टली जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमंस में ही देखा जाता है, इंसानों को समझने के लिए देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनिमल्स पर आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, प्लांट्स पे हुए हैं, उनके इंटेलिजेंस को भी समझा जाता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो हमें मशीनरी एज अ कंप्यूटर चीजों को समझते हैं, हम कहते हैं हाँ कंप्यूटर कितना इंटेलिजेंट है, नहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसको दी गई है, दैट कम्स इंटेलिजेंस, लेकिन वो आर्टिफिशियल है जो उसको दी गई है, उसकी खुद की वो चीज नहीं है, ठीक है। कुछ फ्रीमैन की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये तीन चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ समबडी इज क्लेमिंग फॉर द इंटेलिजेंस। एक उसमें ये होनी चाहिए कि वो एडजस्टेबल हो, अडेप्टेबल हो, कि कोई भी नई सिचुएशन आपको आती है तो आप सिचुएशन से घबराए नहीं, बल्कि उस सिचुएशन का, उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें और नई सिचुएशन में, नए इन्वायरमेंट में जो है आप अपने आप को ढाल लें। और जो इंसान नए इन्वायरमेंट में, नए सिचुएशन में खुद को ढाल लेता है उसको इंटेलिजेंट कहा जाता है। एबिलिटी टू लर्न, चीजों को सीखने की जो क्षमता है, उस चाहत है, काबिलियत है इंसान के अंदर, वो भी इंटेलिजेंस में आती है। उसके अलावा अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट का वो जो वर्ड है आपको मैंने समझाया है के एक वर्ड होता है कंक्रीट, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट एक ऐसा आपका सोचने की चीज होती है जिसमें आपका किसी चीज का फिजिकल होना जरूरी है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी जो है ये जाकर आपके एडोलेसेंट एज में जो है डेवलप होती है, उससे पहले नहीं होती है। उससे पहले जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है वो कंक्रीट होती है, विच मींस अगर आपसे कुछ पूछा जाए और आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उसको फिजिकली सॉल्व करेंगे। जैसे आप बच्चे को बोलोगे 2+2 क्या होता है तो बच्चा फौरन 2+2 4 नहीं बोलता, वो अपने हाथों पर उसको काउंट करता है या कहीं पर लिखता है और फिर बताता है। तो विच मींस थिंकिंग एबिलिटी है, आंसर उसने सही दिया लेकिन फिजिकली किसी चीज को करके दिया, तो दैट कम्स अंडर कंक्रीट। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगी 2+2 क्या होता है, फौरन मुझे बोलेंगे 4, आपको उसको फिजिकल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। अब जब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत हद तक बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इंसान जो है चीजों को इमेजिन करने लगता है, हर चीज का जो सोल्यूशन अपने दिमाग में ढूंढने लगता है, तो बहुत अच्छा जब इसमें हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो भी इंटेलिजेंट है। तो ये जो जैसे मैंने कहा था एक सिंपोजियम के बारे में कि वहां पर बहुत सारे जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डेफिनेशन दी थी जिसमें 13 की अलग अलग से, उसमें जब उसका जर्नल में उसको पब्लिश किया गया तो कहा गया कि 13 अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने 13 व्यूज दिए हैं इंटेलिजेंस पे, जिसमें से कुछ चार मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। जैसे एक पहले कहता है कि इंटेलिजेंस दैट इज से रीजनिंग, जजमेंट, मेमोरी एंड द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एक इंसान जब रीजनिंग कर सकता है अच्छे से, किसी कोई जजमेंट अच्छे से दे सके, चीजों
को काफी देर तक रिटेन कर सके और उसके अंदर जो अब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी है वो डेवलप हो जाए तो वो इंटेलिजेंट होता है। दूसरा क्या था कि इंटेलिजेंस इज अ जनरल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्शियंस टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू द न्यू रिक्वायरमेंट। अब क्या है इंटेलिजेंस, यहाँ पर क्या कैपेसिटी है इंसान की कि वो क्या करता है कि नई चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए वो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉलेज का इस्तेमाल करता है। तो अब देखेंगे कि बहुत जगहों पर कुछ जगहों में मेमोरी किसी की शार्प नहीं होती है लेकिन स्टिल वो इंटेलिजेंट होता है। तो हर डेफिनेशन जो है होली एंड सोली किसी पर इतना अच्छी से फिट नहीं होती, लेकिन जो चीज आपको समझनी है वो आपको समझनी है कि इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया तो आया कहाँ से। देखिए इंटेलिजेंस की जब हम बात की जाए और कैसे इसको हम मेजर करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है। देखिए जब इसका कॉन्सेप्ट आना था उससे पहले फ्रांस से ये कॉन्सेप्ट निकला है और फ्रांस के एक जो प्रोफेसर हैं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को निकाला है क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट चाहती थी कि उसने वो इंटेलिजेंस को समझना चाहती थी कि कौन बच्चा इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंट बच्चे कैसे होते हैं। तो उन्होंने एक टास्क दिया किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कि आप क्या करें, दो तरह का करिकुलम बनाएं। एक्चुअली ये फ्रांस गवर्नमेंट चाहती थी कि हम करिकुलम जो है वो दो तरीके के बनाएं, एक हायर करिकुलम एक लोअर करिकुलम। मींस दो स्टूडेंट हु कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हायर एबिलिटी एंड हायर इंटेलिजेंस दैट गो फॉर द हायर क्लासेस उनको हायर करिकुलम में डालेंगे और जिनका इंटेलिजेंस लो होगा हम उसको लोअर करिकुलम में डालेंगे। लेकिन सवाल ये उठता था कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसका हायर है और किसका लोअर है। इसके लिए फ्रांस गवर्नमेंट ने एक फ्रांस के जो प्रोफेसर थे उनको एक टास्क दिया कि आप बताएं कि इंटेलिजेंस हम कैसे मेजर करें और उसके बेसिस पे हम करिकुलम जो है वो बनाएंगे। तो उस वो टास्क दिया जो एक मशहूर हम फेमस कहेंगे हमारे इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में है क्योंकि भी आप एजुकेशन के स्टूडेंट तो आपका नाम जरूर सुना होगा, जो बिने हैं, बिने ने क्या किया, उनको ये काम दिया गया कि आप इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट निकाले। तो बिने हैं जिन्होंने सबसे पहले 1905 में पहला फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया जो था कि 3 से 13 साल के बच्चों के लिए था, उससे ऊपर बच्चों पर वो अप्लाई नहीं होता था। तो उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट दिया इंटेलिजेंस का और कहा कि कैसे जो है हम बच्चों का इंटेलिजेंस जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ आके खत्म नहीं हुआ, इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आ गए जो इंटेलिजेंस पे काम करना स्टार्ट हो गया, जिसमें जो बिने के साथ मिलके भी काम किए हैं उनके स्टूडेंट भी रहे हैं दैट इज साइमन। उन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया इंटेलिजेंस में 1908 में जो कि था मेंटल एज। देखिए मेंटल एज इज ऑल्सो नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं क्या होती है मेंटल एज। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं आप इस वक्त जो है 25 साल के हैं तो लेकिन आपका दिमाग जब आप सवाल करते हैं, जब आपसे कोई बात जब आप जवाब देते हैं या कोई आप डिस्कशन करते हैं तो मुझे लगता है यार नहीं ये तो बहुत आगे का सोच रहा है। जब हम कहते हैं ना कोई इंसान बहुत आगे का सोच रहा है विच मीन्स वो अपनी एज से आगे का सोचता है, आगे का है वो 25 साल का लेकिन उसकी सोच एक 30 साल के इंसान जैसी है, एक 35 साल के इंसान जैसी है, शायद एक बच्चा 10 साल का है लेकिन इतना इंटेलिजेंट है कि जितना कि एक 15 साल का या 20 साल का बच्चा होता है। तो हम कहते हैं अरे नहीं है तो ये 15 साल का लेकिन सोचता ये 25 साल के इंसान की तरह है। अब क्या हो गया विच मीन्स उसकी मेंटल एज, दिमाग की एज जो है उसकी एक्चुअल एज से, जिससे एक्चुअल एज को हम कहते हैं क्रॉनिकल एज, विच मीन्स 15 साल का वो है तो 15 साल उसकी क्रॉनिकल एज है और जो वो सोच रहा है वो सोचना उसकी मेंटल एज है, वो क्या होगी 25 साल की। लेकिन जरूरी नहीं कि हर टाइम मेंटल एज आगे ही हो, मेंटल एज का आगे पीछे से कॉन्सेप्ट नहीं, मेंटल एज सिर्फ एक ही है जब इंसान अपनी उम्र से ज्यादा या अपनी उम्र से कम सोचता है तो वो जो सोचना है उसका दैट इज हिज आर हर मेंटल एज। हो सकता है एक बच्चा 20 साल का है लेकिन दिमाग अभी भी उसके 10 साल के बच्चे जैसा है, उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट अ कंसर्न हियर। उसके बाद सेमन के बाद जो स्टर्न विलियम है इन्होंने एक नई चीज लाई कि इंटेलिजेंस को हम कैसे जो है वो सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है आईक्यू का, ठीक है ना,
इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो वर्ड है ये पहली बार 1912 में आया और इसके देने वाले थे स्टर्न विलियम। इससे पहले सिमन और बिनेगो आईक्यू का कोई भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि उससे पहले ये वर्ड कभी आया ही नहीं। तो क्या हुआ कि स्टर्न ने ये कहा कि हम आईक्यू को, हम इंसान के इंटेलिजेंस को एक फॉर्मूले के तहत जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से उसने आईक्यू का कंसेप्ट दिया। और आईक्यू को कैसे चेक किया जा सकता है? आईक्यू को हम एक फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। मेंटल एज मैंने आपको समझा दिया, वो एज जो दिमाग की एज है, क्रॉनिकल एज जो एक्चुअली आपकी एज है। जैसे आप अभी 25 साल हो लेकिन सोच 30 साल के रहे हो, तो जो 30 साल है 30 वो आएगा एम ए की जगह, विच मीन एम ए इज योर मेंटल एज। तो मेंटल एज क्या है? 30। क्रॉनिकल एज क्या है? 25। तो फॉर्मूले में कैसे पुट होगा? 30 डिवाइडेड बाय 25। तो उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा उससे हम समझेंगे कि बच्चा जो है वो कितना इंटेलिजेंट है और कितना इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि ये फॉर्मूला पूरी तरीके से सही नहीं था। इस वजह से 1916 में ये फॉर्मूला रिवाइज किया गया, बल्कि रिवाइज स्टर्न विलियम ने नहीं बल्कि टर्मन ने किया। और टर्मन ने आगे इसका चीजों पर बहुत कुछ बोला है। टर्मन ने इसका जो फॉर्मूला है वो किया एम ए डिवाइडेड बाई सी ए इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला पीछे से वही है, एक चीज ऐड कर दी गई, मल्टीप्लाई 100, 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इवन दो इसमें चेंजेस अभी भी थोड़ी थोड़ी आई हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड जो है फॉर्मूला है, कहीं भी कहोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सी ए एम ए डिवाइडेड बाई सी ए इंटू 100 ही रहेगा। अब बहुत सारे लोग जो है वो मैथ्स में थोड़े वीक भी होते हैं, चीजों को ज्यादा समझते भी नहीं है, तो फिर एक लॉजिक लगा के समझ लीजिए कि अगर आपसे आपको एक आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लिखा होगा मेंटल एज इतनी है और क्रॉनिकल एज इतनी है, बताओ एक बच्चे की आईक्यू कितना है। तो भाई अगर आपको डिवाइड ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है तो एक लॉजिक दिमाग में रखिए कि अगर आपकी मेंटल एज विच मीन्स एम ए बराबर होगी आपकी क्रॉनिकल एज के, विच मीन्स मेंटल एज भी 25 है और क्रॉनिकल एज भी 25 है, तो आपका आईक्यू बराबर होगा 100 के। ठीक है, आपका आईक्यू कितना होगा? 100 के बराबर होगा। लेकिन अगर आपकी मेंटल एज ज्यादा है आपके क्रॉनिकल एज से, मतलब आपकी मेंटल एज 30 है पर आपकी एक्चुअल एज 25 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपका आईक्यू भी ज्यादा होगा 100 से। ठीक है, उसके अलावा अगर आपकी मेंटल एज आपकी क्रॉनिकल एज से कम है, मतलब ऊपर वाला पार्ट कम है और नीचे वाला पार्ट ज्यादा है, तो विच मीन्स आईक्यू भी कम ही होगा। अगर मेंटल एज ज्यादा तो आईक्यू ज्यादा, अगर मेंटल एज कम तो आईक्यू कम, और अगर मेंटल एज और सी एज बराबर तो मतलब आपका आईक्यू भी 100 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? यही एक स्लाइड है जो आपको इंटेलिजेंस की चीजें दिमाग में रखनी है, समझनी है। इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे आप सीटेट में जाएं या केवीएस के एग्जाम दें या फिर कोई भी आप साइकोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से पुट किए जाते हैं। और एज सच वो सब थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको लिखने के लिए रखना है, अदरवाइज जो समझने वाला है वो यही है। यहाँ तक समझ में आया? बताओ मुझे मैम, हम इसमें मेंटल एज कैसे मेजर कर सकते हैं? इसमें मतलब जैसे हमें मेंटल एज अगर देखनी हो तो हम मेंटल एज कैसे करेंगे कि हमारी मेंटल एज कितनी है? अब इसी का जो फर्स्ट पे आ जाओ कि बिने ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट किए इसके लिए क्वेश्चनाइज होते हैं, कुछ टेस्ट डेवलप हुए हुए हैं, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एक टेस्ट मैं आपको देती हूँ और मैं कहती हूँ कि इस क्वेश्चनार को फिल कीजिए। जब आप उस क्वेश्चनार को फिल करेंगे तो मैं उस क्वेश्चनार जो आपके जवाब होंगे उस जवाब पर डिसाइड होगा कि आपकी मेंटल एज आपकी उम्र के हिसाब से बराबर है या कम है या ज्यादा है। ठीक है ना, फिर उसको इस फॉर्मूले में पुट करके ये बताया जाएगा कि आपका आईक्यू 100 से ज्यादा है या कम है। समझ आ रहा है? जी मैम। आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट का कोई मैं कोई टेस्ट देखूंगी, वो टेस्ट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस जी तरह मैम। के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप 25 साल की हैं, तो जो आप पर इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट है, एक नहीं है। जैसे बिने ने जो इंटेलिजेंस टेस्ट यूज किया वो किस पर किया? 3 से 13 साल के। तो जो बिने का वो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो आप पर नहीं आ सकता, वो मुझ पर नहीं आ सकता। मुझ पर वही आएगा जो मेरी उम्र के लिए बनाया गया है।
हर हर बच्चे से अलग सवाल किया जाएगा ना, आप छोटे वाले जो आपके क्लास में जो सेकंड ईयर का सेकंड क्लास का बच्चा है उससे आप साइकोलॉजी के का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, उन्हें क्या पता साइकोलॉजी क्या है, ठीक है ना। तो उससे उसकी उम्र का सवाल पूछा जाएगा, आपसे आपकी उम्र का सवाल पूछा जाएगा, मुझसे मेरी उम्र का पूछा जाएगा। तो ऐसे टेस्ट बने हैं जिसमें सवाल उन्हीं की उम्र के हिसाब से पूछे जाते हैं। मानो एक 13 साल के बच्चे के लिए उसकी उम्र का सवाल पूछा गया है और कुछ एडवांस पूछा गया है, ठीक है। तो अब वो क्या है, अगर वो वाला टेस्ट अपना कर रहा है तो हम कहेंगे वो अपने उम्र के हिसाब से तो अच्छा है। मानो उसमें मैंने 20 साल के बच्चे का टेस्ट दे दिया और उसने वो भी कर लिया, तो अब उसकी मेंटल एज हम समझ गए कि किसकी कितने साल की है, 20 साल की है, क्योंकि उसने 20 साल के बच्चे वाले बच्चे का जो टेस्ट था उसको जो है वो कर लिया। ऐसे आपने बहुत सारे, आप पद में भी आपके साथ हुआ ना हो, आपने देखा होगा आपके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो क्लासेस जंप करके आगे चले जाते थे, 2 क्लासेस एग्जाम देके आगे चले जाते थे। उनका रीजन यही होता था कि वो मेंटल एज में आगे होते थे, उनसे जब अपनी अगली क्लास का सवाल पूछा जाता था वो जवाब दे पाते थे। एक क्लास 8वीं क्लास का बच्चा 10th क्लास के बच्चे का क्लास का जवाब दे रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो उसका जवाब दे रहा है तो समझ गए हो जाओ कि उसकी मेंटल एज अपनी उम्र से आगे है, वो ज्यादा समझ रहा है। तो बच्चे की बात करने के तरीके, हर सवाल का जवाब देने के तरीके से भी ये अनऑफिशियली तरीका है जिससे आप उसकी मेंटल एज समझ सकते हो, वरना ऑफिशियली आपको एक टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है जिस टेस्ट को वो जब एडमिनिस्ट्रेटर उन पर किया जाता है उसका जवाब आया जाता है, उस जवाब को कलेक्ट करके आप उसका IQ समझ पाते। चलिए, आया समझ में? जी मैम, इसके अलावा एक जो नेक्स्ट इसका आपका टॉपिक है इंटेलिजेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्या पूरा क्वेश्चन तो नहीं आएगा लेकिन चलो आपको तो MCQs आने हैं। एक जो है बहुत सारी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, लेकिन आपके आपके सिलेबस में जो है वो है गिलफर्ड की जो है थ्योरी है। इस गिलफर्ड को स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, SI मॉडल कहा जाता है इसको, और इसका एक और नाम है 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें एक मॉडल दिया है जो 3D के शेप है, क्यूब जो है उस क्यूब के शेप में उसने दिया है। बहुत सारे जो ऐसे साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं उन्होंने इंटेलिजेंस का जब कॉन्सेप्ट दिया तो किसी ने कहा कि 5 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, किसी ने कहा कि 10 तरीके की होती है, किसी ने कहा 3 तरीके की होती है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा तरीके मीन सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस देने वाला इंसान कौन था, JP गिलफर्ड था। इन्होंने शुरू में क्या कहा, इन्होंने शुरू में ये कहा कि हमारा जो इंटेलिजेंस, इसकी थोड़ी सी कहानी है, इसकी हिस्ट्री है, ये देख लीजिएगा। इन्होंने शुरू में ये कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, उसने तो पहले 3 जो टाइप्स हैं वो तो 3 किए, क्लासीफाइड उनको 3 में किया, एक कंटेंट में, दूसरा ऑपरेशन में, तीसरा प्रोडक्ट में, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि जो उनका जो कंटेंट है वो कितना होता है, ऑपरेशन कितना होता है और प्रोडक्ट कितना होता है, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 120। तो पहली जो उन्होंने रिसर्च की या पहली जो बात उन्होंने अपनी दी तो उस पर जो गिलफर्ड है उन्होंने कहा कि एक इंसान जो है उसकी इंटेलिजेंस 120 तरीके की होती है, मतलब 120 तरह का इंसान इंटेलिजेंट हो सकता है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अब आप करोगे तो ऐसे तो 6-6, 5-5 दिखेगा उसके अंदर, लेकिन दिस इज अ कॉम्बिनेशन, विच मीन्स जिसका मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपका यूनिवर्सिटी, आप जब जाते हो आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है, अब यूनिवर्सिटी के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो शॉर्ट आजकल हम लोग जाते हैं, एक जो लॉन्ग जो बन रहा है, ठीक है, 2 रास्ते हैं। अब जो आएगा वो दोनों रास्तों में से कोई एक रास्ता ऑप्ट करेगा, कोई एक करेगा, कोई एक करेगा। फिर डिपार्टमेंट जाने के आगे 4 तरीके हैं, तो उन 4ों में से कोई भी हम ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस देखो कितने हैं, पहले यूनिवर्सिटी जाने के 2, फिर यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट जाने के 4 रास्ते हैं। तो हो सकता है पहले रास्ते से हमने पहला ऊपर वाले रास्ते से गए और डिपार्टमेंट जाने के लिए जो रास्ता लिया वो नीचे वाला, मतलब नीचे वाला ऑप्शन लिया, तो उसके पास नीचे वाला भी ऑप्शन है, मतलब वो 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। फिर दूसरे तरीके से भी 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिस तरीके से भी जाओ आपको उन सब तरीकों से गुजरना पड़ेगा। तो इंसान का उसको उसी तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ कि कॉम्बिनेशन है कि एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपके पास ऑप्शन जब बहुत सारे होते हैं तो आप सारे ऑप्शन से जब गुजरते हैं तो आप ये कन्वर्जेंट थिंकिंग में आ जाता है इंसान का,
कि बहुत सारे ऑप्शन से एक आप जाकर आप एक जगह पर आंसर आपका एक ही निकलेगा, चाहे आप जिस मर्जी जाओ, मींस आप ऊपर वाले रास्ते से जाओ नीचे वाले से आप यूनिवर्सिटी ही पहुंचोगे, यूनिवर्सिटी के बाद चार रास्तों में से किसी भी रास्ते पर से जाओ डिपार्टमेंट ही पहुंचोगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, आप कौन सा चूज करते हो इट इज अप टू यू। तो पहला उसने कहा कि 120 तरह की इंटेलिजेंस होती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक सेकेंड होल्ड करिएगा, अच्छा उसके बाद चलो ठीक है। तो उसके बाद पहला उसने कहा कि 120 तरह के जो हैं क्या होते हैं इंटेलिजेंस होती हैं, लेकिन उसने अपने ही मॉडल को अपने ही थियोरी को रिवाइज्ड किया और कहा कि नहीं 120 नहीं बल्कि 150 तरीके के जो है एक इंसान में इंटेलिजेंस होती है, जिसमें उन्होंने पांच तरीके का कंटेंट कहा, पांच तरीके के ऑपरेशन और छह तरीके के प्रोडक्ट, जिसमें 5 × 5 × 6 इज इक्वल टू 150, ठीक है। लेकिन इसके बाद उसने अपनी जो इस थ्योरी है इसको फिर रिवाइज किया और फाइनल रिविजन दिया, जिसमें उसने ये कहा कि इंटेलिजेंस एक्चुअली ना ही 120 की होती है ना ही 150 की होती है, बल्कि होती है 183 का की, ठीक है, जिसमें उसने 6 कंटेंट कर दिया, 5 कंटेंट रखा, 6 ऑपरेशन कर दिया और 6 प्रोडक्ट कर दिया, तो 5 × 6 × 6 इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये मेरा हैंगओवर, एक मिनट, ये मेरा हैंग हो गया। ये है उसका मॉडल जिसमें यहाँ पर प्रोडक्ट में एक कम है, क्योंकि जो ये मैंने पिक्चर लिया था ये 150 के हिसाब से है, पर इन एक्चुअली आपका 180 है नया वाला मॉडल। ये एक उसने जो क्यूब बनाया था, इस क्यूब का नाम 3D मॉडल किया गया, ये क्यूब आप सबको बनाना आता होगा बचपन में, ये सब बनाया हुआ है। तो इसमें इन्होंने यहाँ पर है एक हाइट विड्थ और जो है इसमें से एक कंटेंट दिया गया है कि कंटेंट में किस तरह की इंसानों में इंटेलिजेंस होती है, दैट कम्स अंडर विजुअल ऑडिटरी सिंबॉलिक सिमेंटिक एंड बिहेवियर, प्रोडक्ट में क्या होती है यूनिट क्लासेस रिलेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन, ऑपरेशंस में क्या होती है इवैल्यूएशन, एक्चुअली नीचे से आ जाओ, कॉग्निशन मेमोरी डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड द इवैल्यूएशन। ये जो है टाइप की इंटेलिजेंस उसने दी है, पहले उन्हें क्लासिफाई किया 3 में, कंटेंट प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, कंटेंट को फर्दर 5 में डिवाइड किया, प्रोडक्ट को फर्दर 6 में डिवाइड किया, ऑपरेशन को फर्दर 6 में डिवाइड किया, ठीक है। इस तरह से 5 × 6 × 6 इज इक्वल टू 180, और 180 जो है फाइनल इसका रिवीजन था, ऑल्दो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन गिलफर्ड अपने मतलब इंटेलिजेंस की हिस्ट्री में इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाए इस मॉडल की वजह से, बल्कि इसको आज भी कहीं ना कहीं यूजफुल माना जाता है, लेकिन ये इतना ज्यादा फेमस नहीं रहे हैं। इसी को जो ये कंटेंट है आप देखेंगे, कंटेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ऑपरेशंस हो गया, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द ये पिक्चर्स, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे कॉग्निशन की हम बात करें तो कॉग्निशन रिलेटेड टू योर माइंड, योर थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है क्या थिंकिंग एबिलिटी की बात करें तो इंसान जो चीजों को डिस्कवर करता है, रीडिस्कवर करता है, जिसको चीजों की समझ होती है, जो अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पाता है, वो कॉग्निटिव में वो इंटेलिजेंस क्या होती है, वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होती है। एक बच्चा जो है वो क्या है, मेमोरी में बहुत शार्प है, जरा सा आप उसको बोलो उसी वक्त उसको याद रह जाता है, वो भूलता नहीं है, काफी देर तक रिटेन रखता है चीजों को, इसका मतलब वो जो है क्या है इंटेलिजेंट है। तो जिस तरह से अगर मेमोरी किसी की अच्छी है, कॉग्निशन किसी की अच्छी है, किसी के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, सब चीजों को लेकर किसी चीज को आप क्या करते हैं उसका आउटकम निकालते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सबकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप उसका एक आउटकम निकालते हैं, ठीक है ना। तो और उसके कन्वर्जेंट की थिंकिंग आती है, मतलब एक मैं जैसे कन्वर्जेंट मैंने कहा था बहुत सारे फैक्ट्स हैं लेकिन आंसर सिर्फ एक राइट है, तो सबसे होकर आप एक ही जगह पर फाइनली एक राइट आंसर में पहुंचते हो,
जब मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं और आप सब चीजों को समझ के फाइनली एक आंसर्स को सबको जो है एलिमिनेट करते हैं और राइट आंसर को अपने पास रखते हैं, मींस आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है, आपके पास काबिलियत होती है चीजों को इवेलुएट करने की, कंक्लूजन निकालने की, चाहे वो कंक्लूजन किसी के लिए आप सही निकालें या गलत निकालें, मतलब उसके लिए वो गलत है या वो सही है, इस तरह की चीजें, ये सारी चीजें जो है ये आ जाती है इवेलुएशन में। इसी तरह से अगर आप कंटेंट में आए तो विजुअली आप किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, देख कर उसको समझ पाते हैं तो आप विजुअली इंटेलिजेंट हैं, तो आप सुनकर किसी चीज को समझ पाते हैं, सिंबल्स देखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप दिमाग में किसी भी चीज को इमेजिन करने लगते हैं। व्हेन आई अब जब मैं कहूंगी सन, तो भाई आपके दिमाग में सन ऑटोमेटिकली बनाएगा या आपके रिफ्लेक्सेस आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाता है। तो आप चीजों को जब इमेजिन करने पाते हैं, सिर्फ एक वर्ड सुन के आप उसको इमेजिन करने लगेंगे, तो विच मीन्स आप सिमेटिक इंटेलिजेंट हैं। किसी आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी वॉइस टोन है, इससे आपका बिहेवियर समझा जा सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट में आ जाएं तो आप किसी फिगर को, वर्ड को और ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं। जब आपको एक किसी एक कॉमन प्रॉपर्टीज पे आप किसी को क्या कहते हैं, ग्रुप्ड कर पाते हैं, सारे फ्रूट्स को एक तरफ, सारे कलर्स को, रेड कलर को एक तरफ, व्हाइट कलर को एक तरफ, येलो कलर को एक तरफ, ठीक है। आप जो चीजों में इंफॉर्मेशन मतलब कनेक्शन जब आप समझते हैं तो मीन्स आपका जो इंटेलिजेंस है वो प्रोडक्ट के अंदर आता है। एक सिस्टम को समझ पाते हैं, एक स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, किसी चीज को आप मॉडिफाई, किसी चीज को हमने कर लिया लाइक रीडिफाइन, किसी चीज को किया, उसके फंक्शंस को, इन सब चीजों को, इम्प्लीकेशन दैट कम्स इन द प्रैक्टिकल पार्ट, कुछ किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज का अफेक्ट को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो ये टाइप की चीजें सारी किसमें आ जाएंगी, आपके इंटेलिजेंस में, ठीक है। इसको सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझिए, आपको इसका जो वर्ड है जैसे कॉग्निशन वो खुद मतलब समझा रहा है, मेमोरी खुद मतलब समझा रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट इन थिंकिंग, या हमेशा याद रखिए डाइवर्जेंट मींस स्पेसिफिक टू जनरल एंड कन्वर्जेंट मींस जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना। तो इस तरह से ये समझिए आप, इवेलुएट आपको पता है, नया वर्ड नहीं है, विजुअल पता है, जिटरी पता है, सिम्बॉलिक पता है, ये वर्ड आप जब खुद पढ़ेंगे तो आप इसका मीनिंग खुद ब खुद समझेंगे। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो इजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको एक बार रीड कर लीजिए, इजी, जिसको कॉन्सेप्ट समझना था वो उसका 3D मॉडल आपको समझना था, जो उसने 3D मॉडल दिया है, और ये मॉडल जो है उसने ये कहा है कि जो इंटेलिजेंस है वो कितने तरह की होती है, 180 तरीके की। लेकिन इससे पहले उसने दो बार और किया था, जिसमें पहली बार उसने कहा था 120 तरीके की होती है, दूसरी बार कहा था 150 तरीके की होती है, लेकिन फाइनली जो उसने दिया था वो दिया था 180 तरीके की होती है। और कितने चीज इसमें इसने क्लासिफाई किया है, इसने तीन तरीके में क्लासिफाई किया है, वो तीन तरीके कौन से है, कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन। कंटेंट के आगे इसने कितने तरीके दिए, कंटेंट के आगे इसने 5 तरीके दिए, प्रोडक्ट के आगे कितने दिए, प्रोडक्ट के आगे इसने 6 दिए, ऑपरेशन के आगे कितने दिए, ऑपरेशन के आगे भी 6 दिया। तो 180 कैसा हुआ, 5 × 6 × 6 = 180। बस यही एक इसका जो है जो गिलफर्ड का मॉडल है, बस उसमें यही समझने का है। इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन देख लीजिए, इसमें सबसे पहले ये कहा कि जो भी आप करिकुलम देंगे इट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 3, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट।